EIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। कोई भी कुलकर्णी बिना तुम्हारी इच्छा के गुलाम नहीं बना सकती। पाखंडी फकीर आज रात ही शीढ़ी छोड़कर भाग निकलेगा। नाना, नाना, लगता है नाना हमसे बात नहीं करना चाहता। तुम सचमुच दया के सागर हो साईं। क्या मैं जानती नहीं हूँ ये टमरिल तुम्हारा ही है, मेरे सामने क्यों नहीं आते हो बाबा? बाबा मेरे सामने आइए, बाबा मुझे दर्शन दीजिए। बाबा आज मैंने आपको बहुत दौड़ाया है, मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा, मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा, मेरे सामने आइए। काकी भाई तुम यहाँ? अच्छा कितना हो काकी, मुझे साई ने ही तुम तक पहुंचाया है। लेकिन बाबा तो मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे गिरने से बचाया, प्यास लगी तो पानी पिलाया। हाँ काकी, मेरे साई के हजारों हाथ हैं, हजारों रूप हैं, वो एक साथ कितने भक्तों पर कृपा करते हैं ये हम जैसे अज्ञानी नहीं जान सकते। हम तो उन्हें केवल साईं बाबा समझते हैं, पर वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ हैं। तुम्हारी बात सच्ची है भाईजी, साईनाथ महाराज की जय। काकी तुम वाड़ा छोड़कर क्यों चली आई? ये मत पूछ भाईजान, आप पर तो मुझे ये बता, मेरी बेटी मधुमती कैसी है, मेरा सखाराम कैसा है, मेरा नाना कैसा है, मुझे बता मेरी बच्ची कैसी है भाईजान, मुझे बता मेरी बच्ची कैसी है। मधुमती रुको, क्या बात है तुम इतना क्यों रो रही हो? अहो अब मुझसे बात मत कीजिए, आपकी कसम टूट जाएगी। मैं अपनी कसम वापस लेता हूं मधु, मैंने कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे, तुम साहस के साथ हर कठिनाई का सामना करती हो, फिर आज क्या बात हो गई? सासू भाई आई, क्या हुआ आई को, बताओ मुझे क्या हुआ आई को? सासू भाई वाड़ा छोड़कर चली गई है। क्या? मैं उनकी कुशलता का पता लगाने देवा के पास द्वारका माई गई थी, तो देवा बहुत रोष में थे। कल रात जो तुमने आई के साथ किया उस पर तो किसी को भी रोष आएगा। मुझे रोष मधुमती पर नहीं।
तुम पर था नाना। देवा, मुझसे कुछ भूल हो गई देवा? बहुत बड़ी भूल हुई है नाना। काकी, देवा, काकी, काकी, देवा, मैंने क्या भूल की देवा? मैंने कुछ दिनों पहले ही तुम्हें प्रीत के धागे का महत्व समझाया था कि उस पे प्रेम का लेप लगाकर उसे मजबूत किया जाता है। प्रीत के रिश्ते चाहे हमारे जन्म से, कुल से, गोत्र से या फिर धर्म और मित्रता से ही क्यों ना स्थापित हुए हों, उनकी डोर बहुत ही कच्ची होती है। हर एक को चाहिए कि वो रिश्तों के कच्चे धागे पर प्रीत का लेप लगा लगा कर उसे मजबूत करने की कोशिश करता रहे। पर तुमने उस पे नफरत और अविश्वास का जहर घोल दिया। देवा, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा भगत जी। पहले मुझे नाना से बात करने दो। मुझसे क्या भूल हो गई देवा? भूल सिर्फ तुमसे नहीं, आई से भी हुई है। आई, यहां मेरे पास आओ। उठो नाना। आई, तुम तो अनुभव की गगरी हो, मुझे एक बात बताओ कि जो तुम्हें सासू बाई से अधिक अपनी मां अपनी आई मानती हो, उसके बनाए खाने में तुमने स्वाद क्यों देखा? उसका अपनापन, उसकी सच्चाई क्यों नहीं देखी? मधु ने आई को जो खाना दिया वो आई तो क्या कोई नहीं खा सकता। मधु को इस बात का जवाब देना होगा। देवा, मधु के हाथ का बना खाना मैंने खुद खाया था। जूठन की थाली से जूठन खाकर तुमने बहुत बड़ा पाप किया है नाना।
पर देवा, मधु ने आई का खाना बहुत खराब बनाया था। उसके खाने में ना तो पर वही खाना तुम्हारी आई के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक और उत्तम था नाना। मधु, मैं चाहता हूं कि तुम नाना और अपनी सासू बाई और इन सबको बताओ कि तुमने अपनी सासू बाई के लिए बिना मिर्च मसाले का बेस्वाद खाना क्यों बनाया था? क्या वो सब बताना आवश्यक है देवा? हाँ, ये आवश्यक भी है और मेरी आज्ञा भी। जो आज्ञा देवा। पारिवारिक प्रेम के प्रति निर्देश देते हुए मनु महाराज ने लिखा है कि जो पति अपनी पत्नी को प्रसन्न नहीं रखता है उसका पूरा परिवार अप्रसन्न और शोकग्रस्त रहता है। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। हर रात की तरह उस रात भी मैं सासू भाई के कमरे में उनके पांव दबाने गई थी तो मैंने देखा सासू भाई को बहुत खांसी आ रही है। नहीं, सासू भाई को ज्वर तो नहीं है, फिर इन्हें इतनी खांसी क्यों आ रही है? मेरे बाबा को भी सांस की बीमारी थी। वैद्य जी काका के कहने पर भी बाबा खाने में नमक मिर्च कम नहीं करते थे, इसी कारण समय से पहले वे हमें छोड़कर चले गए। पर सासू भाई को मैं नहीं जाने दूंगी। कल से मैं इन्हें बिना बताए परहेजी खाना खिलाऊंगी। बताऊंगी तो ना ये मानेंगे और ना स्वामी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं सासू भाई का खाना पहले निकाल दिया करती थी। और फिर इनके और सखाराम के खाने में मिर्च मसाला मिलाती थी। दोनों खाना देखने में एक समान था पर स्वाद में अंतर जरूर था। सासू भाई कई दिनों तक वो खाना खाती रही। उनकी खांसी लगभग खत्म सी हो गई थी। फिर सासू भाई मुझसे
नाराज हो गई। अहमद, तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया बेटा? कम से कम तुम मुझे तो बता देती मधु। बता देती तो प्रीत का धागा कमजोर नहीं हो जाता? ऐसा लगता कि मधु अपनी सासू बाई की सेवा का श्रेय ले रही है। कुछ फर्ज बिना कहे भी निभाए जाते हैं नाना। भगत जी, मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में उन पुरुषों के लिए क्या लिखा है जो अपनी स्त्री को प्रसन्न नहीं रखते? देवा, मनुस्मृति के तीसरे अध्याय में पारिवारिक प्रेम के प्रति निर्देश देते हुए मनु महाराज ने लिखा है कि जो पति अपनी पत्नी को प्रसन्न नहीं रखता है उसका पूरा परिवार अप्रसन्न और शोकग्रस्त रहता है। और जो पत्नी प्रसन्न रहती है उसका पूरा परिवार प्रसन्न, स्वस्थ और कुशल रहता है। मुझसे सचमुच भूल हो गई देवा, मैंने अपनी मधु पे संदेह किया। अगर माफी मांगनी ही है तो मुझसे नहीं, मधु से मांगो। वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की, तुम्हें अवश्य माफ कर देगी। प्यास लगी तब भी आपने मुझे पानी पिलाया। बाबा, आप मेरे साथ में ही थे, फिर आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे थे? यह प्रश्न तो मेरे भी मन में है साईं। तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा कि तुम कुछ नहीं जानते? राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। ये मुझसे माफी मांगे ये उचित नहीं देवा। क्या उचित है और क्या अनुचित ये तो मैं नहीं जानता। मैं ये भी नहीं जानता कि किस पुरुषवादी सोच ने पुरुष को स्त्री से महान बता दिया। स्त्री पुरुष के सामने झुक सकती है, स्त्री पुरुष के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कठिन से कठिन व्रत उपवास रख सकती है, स्त्री पुरुष से माफी मांग सकती है, पर पुरुष ना ही स्त्री के अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत उपवास ही रख सकता है और ना ही उसके सामने झुक सकता है। क्यों, किन कारणों से पुरुष स्त्री से श्रेष्ठ हो गया? इस समाज में जो स्थान पुरुष का है उससे भी कहीं ऊंचा स्त्री का है। माता होने के कारण स्त्री का स्थान तो भगवान से भी ऊंचा है। शिव शक्ति के अर्ध नारेश्वर अवतार में कोई छोटा बड़ा तो नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण तो
दिन रात राधा रानी को रिझाने में लगे रहते हैं, फिर ये सोच कहां से आ गई? जब तक हमारे समाज में ये पुरुषवादी सोच व्याप्त है, तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि स्त्री केवल स्त्री नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार की पाठशाला है, गुरु है, और वो ही वो सूत्रधार है जो अपने पूरे परिवार को प्रीत के धागे में बांध कर रखती है। शिरडी के नाथ साईं बाबा की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा की जय। मुझे माफ कर देना मधु। नहीं नाना, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। नाना से पहले मुझे माफी दे दो, भूल मुझसे हुई है, मुझे माफ कर दो बेटा। आप लोग मुझसे माफी मत मांगिए। भूल को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पर आज के बाद अपनों पर कभी संदेह मत करना। क्योंकि संदेह नाम की बीमारी का आज तक ना तो कोई उपचार ढूंढा जा सका है और ना भविष्य में कभी ढूंढा जा सकेगा। इसलिए इस बीमारी को कभी अपने आसपास भी फटकने मत देना। राम जी भला करेंगे। मधु यहां आओ। मधु तुम अपनी सासू बाई की इसी प्रकार सच्चे मन से सेवा करती रहो। जितनी अधिक तुम इनकी सेवा करोगी उतना ही अधिक इनका आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। बाबा मेरे मन में एक प्रश्न है, आपकी आज्ञा है तो पूछ लो। बाबा जब मैं अपने वाड़े से निकली तब से आप मेरे साथ में थे। कितनी बार मुझे ये अनुभूति हुई कि आप मेरे साथ में हो। जंगल के ऊपर काबड़ रास्तों से जब मैं गिरती पड़ती रही तब भी आपने मुझे बचाया। प्यास लगी तब भी आपने मुझे पानी पिलाया। बाबा आप मेरे साथ में ही थे, फिर आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे थे? बताओ ना बाबा, आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे थे? यह प्रश्न तो मेरे भी मन में है साईं। तुमने मुझे रास्ता दिखाकर काकी के पास पहुंचा तो दिया, पर जब मैं द्वारका माई आई तब तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा कि तुम कुछ नहीं जानते? सासूबाई का रास्ता तो आपने मुझे भी दिखाया है देवा, पर आपने द्वारका माई में क्यों नहीं बता दिया? बता सकता था पर नहीं बताया, क्योंकि यदि बता देता तो अपनी सासूबाई और अपनी काकी को ढूंढने की जो तड़फ तुम दोनों के मन में उपजी वो नहीं उपजती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। और मैं कहता हूं कि सच्चे मन से कर्म करो और तुम्हारा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा।
सूर्यास्त होने वाला है। तुम सब अपने अपने वाड़े जाओ। वैसे भी आज शिरडी एक बहुत बड़ा तमाशा देखने वाली है। शिरडी का एक छत्र स्वामी, शिरडी का बागी विधाता पुलिस पाटिल वैद्यराज कुलकर्णी है। अभी दिल्ली दूर है कि अभी तक गांव वालों ने आपके बही खाते पर अंगूठे नहीं लगाए हैं? नहीं लगा है तो लग जाएगा। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं प्यार करती है मुझसे।